गुड मॉर्निंग क्लास फोर के बच्चों, आज जो हम मैथ में चैप्टर जो पढ़ाने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 4B, इसमें है फाइंड द फॉलोइंग सम। इसमें सबसे पहले जो डिजिट दिया हुआ है तुम्हारे बुक में उसमें है 7, 9, 5, 6, 1, पहले में है। इसमें वंस के जगह पर 1 है, टेंस के जगह पर 6 है, और 100 के जगह पर 5 है, और 10,000 के जगह पर 9, और ये 10,000 के जगह पर 7। ऐसे ही सेकेंड रो में यहाँ 6, 4, 8, 0 और 6 है। हम इसको जब ऐड करेंगे तो हम राइट से वंस के वंस प्लेस के जगह से हम लोग इसको ऐड करेंगे। तो पहला रो का देखो वंस का कि इसमें 6 और 1 है, तो 6 और 1 कितना हुआ, 7 हुआ। उसके बाद में टेंस के प्लेस में देखो इसमें कैरी नहीं है, इसलिए ये सेकेंड रो यानी टेंस के रो में कैरी नहीं जुटेगा। टेंस के रो में देखो 6 और 10 है, यानी कितना हुआ, 10। 10 का कैरी कितना हो, कैरी इसमें कितना है, 1, और राइट साइड में क्या है, 0। तो 10 का हम 0 लिख देंगे, और इसमें जो 1 कैरी है हम इसमें 100 प्लेस में जोड़ देंगे। तो 100 में जोड़ेंगे। अब हम 100 प्लेस के रो को तीनों को जोड़ेंगे, यानी 1 जो कैरी आया, 1, 5 और 8 को, तो 1 और 5, 6 हुआ, और 8, 6 और 8, 14 हुआ। तो 14 का हम इधर राइट साइड वाला 4 लिखेंगे, और फिर कैरी हम 1 करेंगे। 1 कैरी जो आया वो 1000 के प्लेस पे है। अब इसमें जो 100 प्लेस का कैरी है 1, अब उसको हम 1000 के प्लेस के कैरी उसमें उस रो में जोड़ देंगे। तो यहाँ अब 1000 में 1 जो कैरी है, और इसमें 9 और 0 है, तो 9 में 0 जोड़ेंगे, 9 ही हुआ, और प्लस 1 यानी 10 हुआ। 10 का हम लोग 0 लिखेंगे, और फिर कैरी कितना हुआ, 1, जो 10,000 में हम जोड़ देंगे। यानी अब इस रो में कौन कौन सा डिजिट हो गया, 1 हुआ, 7 और 6, तो 1 और 7, 8 और 6, 8 और 6, 14। अब इस रो में हम पूरा लिख देंगे, क्योंकि अब लेफ्ट साइड में यानी लास्ट प्लेस पर जो इसमें कोई डिजिट नहीं है, इस तरह से हम लास्ट में 14 पूरा लिख देंगे। ऐसे ही ये ए नंबर का ये था, बी नंबर का ऐसे ही है वंस से यानी राइट से हम जोड़ना चालू करते हैं। तो 6 और 4 कितना हुआ, 10। 10 का हम क्या लिखेंगे, 0। उसके बाद में उसमें जो कैरी है उसको हम टेंस वाले में जोड़ेंगे, यानी अब कितना जोड़ना है, 1 जो कैरी है, 2 और 5 यानी 1, 2, 3 हो गया, और 5, 8 हो गया। तो इस तरह से इसमें कैरी नहीं आया, हम 100 में नहीं जोड़ेंगे। 4 और 100 के रो में क्या क्या है, 4 और 9 कितना हुआ, 13। 13 का हम 3 लिखेंगे, और उसमें जो कैरी आया, उसमें जो कैरी आया उसको हम 1000 में जोड़ देंगे। ये 100 का रो में 13 आया, 13 का 3 लिख दिए, और कैरी 1 जो 1000 में जोड़ेंगे। तो अब इसमें कौन कौन सा डिजिट हो गया, 1000 में 1 जो कैरी है, 0 है, 4 है, तो 1 में 0 जोड़ेंगे, 1 हुआ, और 4 यानी 1 और 4, 5 हो गया।
हाई हो गया, इसमें भी कायरी नहीं आया, हम 10,000 में नहीं जोड़ेंगे। अब 10,000 के रो में कौन कौन सा डिजिट है, 2 और 2 यानी 4। अब इस तरह से ये बी नंबर भी सोल्व हो गया यानी एड हो गया। तुम ऐसे ही और इसमें का जो पहला नंबर एक्सरसाइज 4B का सवाल है, इसमें 6 ए बी सी करके एफ तक है, इसको तुम लोग हमने 2 बना दिया, इसमें बाकी बचा तुम बनाना। उसके बाद में इसमें जो दूसरा प्रश्न है कि राइट इन कॉलमन एड कॉलम्स एंड एड, इसमें ए में क्या क्या है, ये 12,145 है प्लस 65,442 प्लस 3,45,936 है। हम इसको कॉलम में जब लिखते हैं तो ऐसे ही वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स 10,000 और लाख्स हो गए। अब इसमें जैसे जिसमें पहले रो में 5 डिजिट है, हमने इसमें वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 में ये 5 जो डिजिट है वो आ गए। उसके बाद में सेकंड रो में तुम देखोगे कि इसमें भी 5 डिजिट है, तो यह 10,000 में आ गए। लेकिन लास्ट के रो में 1 डिजिट ज़्यादा है और वह रो लाख का हो रहा है, तो लाख में वैसे ही हम जो फर्स्ट क्वेश्चन बना रहे थे वंस के प्लेस से एड करना चालू करते हैं। और तो पहला इसमें का देखो 5 + 2 = 7 हो गया, अब +6 यानी 13 कितना आया, 13। 13 का हम क्या लिखेंगे, राइट साइड वाला डिजिट लिखते हैं यानी 3। और केडी जो कैरी आया क्या आया, 1। अब 1 को हम टेंस के डिजिट में लिखते हैं, तो 1 फिर 4, 1 4 और 4 3 है, यानी टेंस के रो में 4 डिजिट हो गया 1 कैरी वाला भी जोड़ करके, तो 1 और 4 5 और +4 9 और +3 12 का हम क्या लिखेंगे, 2। और कैरी फिर हम 100 प्लेस पर ले जाएंगे और इस तरह से यहाँ हम 2 लिख दिए और कैरी इसमें 100 में लेके चले आए, तो 1 और फिर 100 के रो में देखो 1 हो गया 1, 4 और 9, तो हम सबको जोड़ेंगे 1 और 1, 2 और +4, 6 हो गया और 9, 15 कितना हुआ, 15 हुआ। 15 का हम कितना लिखेंगे, 5 लिख देंगे और इसमें का कैरी पुनः 1,000 में ले आएंगे, यानी इसमें कैरी पुनः 1 जोड़ेंगे, हाँ 1 जोड़ेंगे और इसमें 1 जोड़ेंगे। अब इस 1,000 रो में कौन कौन सा डिजिट हुआ, 1 हो गया जो कैरी है, फिर 2, 5 और 5 है, तो 1 और 2, 3 हो गया, 3 और 5, 8, 8 और 5, 13 कितना हुआ, 13 का हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और इसमें जो कैरी आया हम 10,000 में लिखेंगे, 10,000 में ऐड कर देंगे, तो 10,000 में अब के रो में कौन कौन सा डिजिट हुआ, 1 जो कैरी लिए हैं और 1 और है और 6 और 4। अब इस तरह से ये पूरा रो का हम ऐड करेंगे, तो 1 और 1, 2, 2 और 6, 8, 8 और 4, 12 कितना आया, 12 का पुनः हम राइट साइड वाला डिजिट लिखेंगे यानी 2 और कैरी कितना हो गया, 1 जो
हम लाख में ऐड करेंगे यहाँ पर, तो वन और ये लास्ट के रो में थ्री है और ऊपर कैरी वन है, तो वन और थ्री फोर हो गया, जो तुम्हारा ये सवाल कंप्लीट हुआ। इस तरह से हम वंस प्लेस से ऐड करना चालू करते हैं और वंस टेंस ऐसे ही ऐड करते हुए, और उसमें जो भी कैरी होता है, जो वंस का होता है हम टेंस में जोड़ते हैं, टेंस का कैरी हंड्रेड में जोड़ते हैं, हंड्रेड का कैरी थाउजेंड में जोड़ते हैं, और थाउजेंड का कैरी 10,000 में, और इस तरह 10,000 का लाख में। इस तरह से पूरा रो को हम जोड़ते जाते हैं, इस तरह से हमारा एड ऐसे ही बनाए जाते हैं, और इस तरह से पूरा यह कंप्लीट हुआ। थैंक यू।